साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है मुद्रा स्फीति की दर से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती है। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए, आपकी नज़र में कौन सी अच्छी पुस्तक रहेगी, हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाएं, कामयाबी का क्या रहस्य है, मैं किस तरह करोड़ रुपए कमा सकता हूं। ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख की याद आती है जो यहां दिया जा रहा है। सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एज वाटर बीच पर इकट्ठा हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स स्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हार्वर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियान फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े दो स्टॉक स्पेक्टुलेटर्स थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। शबाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियापन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अपने आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पूल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो एक साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई।
वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1990 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे, दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा जाता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चे की कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमीर की